कुछ दिन के प्रवास पर अपने गृह जिले छिंदवाड़ा गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने सौसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस नेता सोपान कोहले ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। नकुल नाथ ने किया कमबैक। उपचुनाव से दूर रहे नकुल अब संभालेंगे मैदान। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ ने दिखाए तेवर। नगर निगम चुनाव से पहले कमलनाथ नकुल नाथ की जोड़ी हुई एक्टिव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने लगता है अब मैदान संभाल लिया है। छिंदवाड़ा के सौसर में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और खूब शक्ति दिखाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय जय कमलनाथ के जय घोष लगाए और खूब जोश दिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने कार से बाहर निकल कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि संगठित होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्षेत्रों प्रदेश को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़े। मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिले के साथ ही प्रदेश के भविष्य की चिंता सताने की बात कही। आपने भी कुछ निराशा बताई हो, स्वाभाविक है। पर मेरे पास कुछ 11.5 महीने थे पूरे प्रदेश की और मुझे चिंता थी अपने प्रदेश के नौजवानों की, मुझे चिंता थी अपने प्रदेश के किसानों की। हमारा किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। हमने कर्जा माफ शुरू किया, पहली दफे केवल डिपॉजिट चालू खाते किस्तों में शुरू किया। किस्तों का कर्जा माफ हुआ, 26 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ, दूसरा किस्त चालू था। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। मंच से कांग्रेस नेता द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ भी की गई, जबकि सांसद नकुल नाथ भी नगर निगम चुनाव के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में कमबैक करते नजर आए। तो वहीं देखा जाए तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं और जीत की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। देखना लाजमी होगा कि किस तरह से नकुल नाथ की ये सक्रियता रंग लाती है और उपचुनावी हार को भुलाकर क्या कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है। छिंदवाड़ा से MP News के लिए साहुल सिंह की रिपोर्ट।